दोस्तों कानपुर के मैदान पर चौथे दिन बांग्लादेश पर टूटा भारतीय टीम का कहर। रोहित के साथ मिले यशस्वी राहुल और विराट ने मचाया ऐसा हाहाकार। 233 के जवाब में ठोक डाले 285 रन। तो फिर जब काउंटर अटैक करने के लिए आई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो अश्विन ने अपनी जादुई फिरकी से उनके टॉप ऑर्डर को ढेर कर चौथे दिन की टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की दास्तान लिख डाली। तो आखिर कैसे महज एक दिन में टीम इंडिया के सामने घुटने टेक गई बांग्लादेश? आखिर कैसे विस्फोटक बैटिंग के बाद कातिलाना गेंदबाजी से जीत के करीब पहुंच चुकी है टीम इंडिया? इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और अश्विन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक दिल से जरूर करें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क फील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों पहले दिन जहां रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, केवल 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। तभी मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो जाता है, तो वहीं दूसरे दिन तो एक ओवर का भी खेल नहीं हो पाया था, जिसने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला, तीसरे दिन भी हालात कुछ ज्यादा सुधरे, तीसरे दिन भी मैच शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में अब केवल आखिरी दो दिन का खेल बाकी था। चौथे दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया का जलवा देखने के लिए, और करोड़ों फैंस की दुआओं का असर भी हुआ। जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का खेल आखिरकार समय पर शुरू हो गया तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया की जीत की नई उम्मीद जिंदा करना चाहते थे। वहीं मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ये सोचकर आए थे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक आगे ले जाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह कहां बांग्लादेश को वापसी का मौका देने वाले थे, इस बार 41वां ओवर लेकर आए। बुमराह की पहली गेंद पर जहां मुशफिकुर रहीम ने चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई, तो जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही गेंद पर मुशफिकुर के तीनों विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता दिला दी थी। जहां मुशफिकुर को तो समझ ही नहीं आया कि आखिरकार कैसे बल्ला नीचे आने से पहले बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, वो इस मैच में 32 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अब बांग्लादेश को चौथा झटका लगने के बाद मैदान पर लिटन दास मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन इस विकेट के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने टेस्ट को T20 समझ लिया है। जहां आकाशदीप के स्वागत में मोमिनुल चौका लगा दिया तो लिटन दास तो मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही उन्होंने सीधा जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। 43वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाया तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर अचानक से भारत के विकेट की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। यहां तक कि कोई तो भरोसा ही नहीं कर पाया जब बुमराह की पांचवी गेंद पर भी लिटन दास एक और चौका उड़ा दिया। इस ओवर ने लिटन ने हमला करते हुए कुल 12 रन बटोर डाले। 43 ओवर में ही बांग्लादेश को 128 रनों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए था क्योंकि इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। खासतौर पर मोमिनुल हक ने अपना शानदार अर्धशतक भी इसी के साथ ठोक दिया था। यह खिलाड़ी अकेले भारतीय टीम की नाक में दम किया हुआ था, उन्हें रोकना किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे, भारतीय खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश के अलावा 49 ओवर में ही बांग्लादेश ने 148 रन बना लिए थे। अभी तक उनके केवल 4 बल्लेबाज ढेर हो पाए थे, तभी तो रोहित ने अब अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मैच की दिशा को पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर लिटन दास ने आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद और बाउंड्री के बीच आ गए रोहित शर्मा, जिन्होंने सुपरमैन की तरह हवा में 5 फुट ऊंची छलांग लगाते हुए केवल एक हाथ से शानदार कैच लपक कर लिटन दास की पारी का अंत किया। और उन्होंने ही अद्भुत कैच के चलते लिटन दास केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 148 रनों पर बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब टीम इंडिया ने मैच में पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे शाकिबुल हसन ने मोमिनुल हक के साथ मिलकर मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। रोहित के तुरुप के रविचंद्रन अश्विन ने शाकिब को अपने जाल में फंसाया, जिनका अपनी जान पर खेलकर बाउंड्री पर लाजवाब कैच मोहम्मद सिराज ने लपक कर टीम इंडिया को छठी सफलता दिला दी थी। जहां शाकिब अल हसन मुश्किल से केवल 9 रन बना पाए और भारतीय गेंदबाजों की आंधी में बांग्लादेश की पारी सूखे पत्तों की तरह बिखरने लगी थी। हालांकि एक तरफ से मैदान में चट्टान की तरह मोमिनुल हक में मौजूद थे, जिन्हें हिला पाना भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किल हो चला था। उनका साथ निभाने आए थे अब मेहंदी हसन मिराज, जिन्होंने आते ही मजबूती से बैटिंग करी और टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल होने दी। इन दोनों ने देखते ही देखते अपनी टीम को 66 ओवर में 205 रनों तक पहुंचा दिया था। खासतौर पर मोमिनुल हक ने शानदार चौका लगाकर इन मुश्किल परिस्थितियों में शानदार शतक जड़कर अपने साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया था, जिसके दम पर लंच तक बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस मैच में मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही टीम इंडिया जल्द से जल्द बांग्लादेश को समेटना चाहती थी, और यह जिम्मेदारी इस बार रोहित ने सौंपी अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह के कंधों पर। हालांकि आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई, पारी
70वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली दो गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने दो खतरनाक चौके जड़ दिए, लेकिन तभी बुमराह ने भी मेहंदी को सबक सिखाते हुए चौथी गेंद पर उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर 55 रनों की उनकी पार्टनरशिप का अंत किया, जहां मेहंदी केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 70 ओवर में बांग्लादेश ने 224 रन बनाकर अपने 7 बल्लेबाज गवा दिए थे। अब तो केवल मानो ऐसा लगा कि कोई जलजला आया, जिसके सामने बांग्लादेश सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। बुमराह ने अगले ओवर में इस बार तेजुल इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 8वां झटका दिया, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए मोहम्मद सिराज ने अगले ओवर में हसन महमूद को LBW कर बांग्लादेश के 9 बल्लेबाजों को समेट दिया था। बांग्लादेशियों को तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, अचानक से उनका पूरा बैटिंग क्रम तहस नहस हो गया था। तो बांग्लादेश के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए रविंद्र जडेजा ने उनके आखिरी बल्लेबाज खालिद अहमद को भी कॉट एंड बोल्ड कर पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों का समेट दिया। इसी के साथ सर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेटों का जादुई आंकड़ा भी पूरा किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। बांग्लादेश की इस बर्बादी में सभी गेंदबाजों ने बराबर योगदान निभाया। सबसे अधिक जसप्रीत बुमराह को 3 सफलताएं हासिल हुई, तो सिराज अश्विन और आकाशदीप को 2-2 विकेट मिले, वहीं अंतिम विकेट रविंद्र जडेजा के खाते में गया। हालांकि अंत तक मोमिनुल हक 107 रन बनाकर अपनी टीम के लिए नाबाद रहे। अब देखना दिलचस्प होने वाला था कि भारतीय बल्लेबाज किस मोड से मैदान में उतरने वाले हैं। रोहित और जायसवाल पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को बेहद खतरनाक शुरुआत दिलाने की। फिर पहले ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि बांग्लादेश का दिल बैठ गया। जी हां, पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने हसन महमूद के स्वागत में एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक लगा दी, तो दूसरे ओवर में कप्तान रोहित ने खालिद अहमद की पहली गेंद पर आगे बढ़कर 90 मीटर लंबा ऐसा खौफनाक छक्का लगाया है कि गेंद गुम हो गई, तो अगली ही गेंद पर खालिद की बाउंसर को अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से मिड विकेट के ऊपर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर रोहित ने बांग्लादेशी में हाहाकार मचा दिया था। कानपुर का पूरा क्राउड तो ऐसे झूम रहा था मानो कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। उनके सब्र का फल रोहित शर्मा उन्हें बेहद शानदार अंदाज में दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो ये दोनों गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से आए हैं। तीसरे ओवर में भी हसन महमूद की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने एक और आसमानी छक्का जड़ा, तो आखिरी दो गेंद पर जायसवाल ने छक्का और चौका जड़कर 3 ओवर में ही टीम इंडिया को 51 रनों तक पहुंचा दिया था। ये तो टेस्ट में T20 नहीं बल्कि T10 खेल रहे थे। बांग्लादेश को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी बर्बादी उन्हें देखने को मिल रही है। ये दोनों पता नहीं किस बात का बदला बांग्लादेश से ले रहे थे, लेकिन दोस्तों हर अच्छी चीज का अंत आता है। चौथे ओवर में मेहंदी हसन मिराज का स्वागत जहां रोहित ने चौके से किया, तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा एक खतरनाक गेंद को आगे क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित को यह गेंद समझ ही नहीं आई और 11 गेंद में एक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 23 रन बनाकर रोहित को पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन जाने से पहले रोहित ने अपना काम कर दिया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल आए थे, लेकिन दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल कहां रुकने वाले थे। छठे ओवर में मेहंदी को आड़े हाथों लेते थप्पड़ की तरह दो करारे चौके बटोरते हुए, तो सातवें ओवर में तेजुल इस्लाम के स्वागत में भी यशस्वी ने चौके की बारिश कर दी, और देखते ही देखते यशस्वी ने 31 गेंद में अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और 50 पूरा करते ही मानो उनके सर तो खून सवार हो गया। उन्होंने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि 10 ओवर में टीम इंडिया को 99 रनों तक पहुंचाया, तो 11वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने टीम इंडिया को 100 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। वहीं इन दोनों धुरंधरों ने भी केवल 41 गेंद पर 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया था। वो बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। लेकिन जाने से पहले यशस्वी ने केवल 51 गेंद पर 12 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की दमदार पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने के लिए खुद ऋषभ पंत को भेजा गया था, जिन्होंने टी ब्रेक तक बांग्लादेश की ओर कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। ब्रेक के बाद ये दोनों टीम इंडिया को बहुत बड़ी शुरुआत दिलाने के लिए आए थे, लेकिन शुभमन गिल जल्दबाजी कर बैठे। शाकिब अल हसन ने उन्हें हसन महमूद के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां गिल केवल 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली आए। उन्होंने पंत के साथ मिलकर टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन इसी दरमियान दमदार बैटिंग कर रहे ऋषभ पंत भी शाकिब की फिरकी के आगे घुटने टेक बैठे। वो भी केवल 9 रन बना पाए। 159 रन पर भारत के 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। ऐसा लगने लगा कि बांग्लादेश कहीं टीम इंडिया को 200 रनों से पहले ऑल आउट ना कर दे, लेकिन ये केवल उनकी गलतफहमी थी। मैदान में उतरकर लाजवाब राहुल ने विराट कोहली के साथ मिलकर फिर अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि 25 ओवर में ही टीम इंडिया को 200 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। विराट से लेकर राहुल दोनों चौके और छक्कों से सीधा बात कर रहे थे। देखते देखते राहुल ने केवल 33 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया था। टीम इंडिया 29 ओवर में 246 रन
बना चुकी थी, लेकिन तभी विराट कोहली शाकिब की फिरकी में फंस जाते हैं और 47 रन बनाकर उनके रूप में टीम इंडिया को पांचवां झटका लगता है। तो उनके आउट होने के बाद जडेजा भी केवल 8, तो अश्विन 1 रन बना पाए। राहुल ने केवल 43 गेंद पर 68 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी को डिक्लेयर किया और बांग्लादेश पर 52 रनों की लीड हासिल की। तो फिर जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बैटिंग करने आई तो अश्विन का कहर उन पर टूट पड़ा, जहां केवल 26 के स्कोर पर ही अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद को चलता कर बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिख दी थी। और यहीं पर चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पांचवें दिन बड़ी आसानी से टीम इंडिया बांग्लादेश को किसी चींटी की तरह मसल कर यह दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने वाली है। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में 27,000 रन पूरे करने के बाद भावुक हो गए विराट कोहली और जाते जाते मैदान से बाहर वो रोहित शर्मा उनकी कप्तानी पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। विराट कोहली का भावुकता से भरा ये पूरा बयान आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दो दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है। चौथे दिन का खेल था कानपुर के मैदान में। अब तक 35 ओवर डाले गए थे और आज दोनों टीमों पर जिम्मेदारी थी ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेलने की। लेकिन खेलना तो छोड़िए, हमारे गेंदबाजों के सामने बांग्लादेशी लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाए क्योंकि 107 उनके स्कोरबोर्ड पर पहले ही लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप ने भी विकेट लिए, बुमराह ने भी विकेट लिए, जडेजा ने भी लिए और अश्विन ने भी, और सबने मिलकर 233 पर इस टीम को निपटा दिया था, जिसके जवाब में हमारी बल्लेबाजी कुछ ऐसी रही जिसमें स्कोर तो छोटा बना लेकिन आंकड़े बहुत बड़े बड़े बन गए। यशस्वी जायसवाल 51 गेंदों में 72 रन बनाकर गए 12 चौके 2 छक्के लगाकर। रोहित शर्मा 11 गेंदों में 3 छक्के 1 चौके के साथ 23 रन बनाकर गए और बना दिया क्रिकेट के टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज 50 किसी भी टीम के लिए। इनफैक्ट दोस्तों, गिल ने भी 39 रन बनाए, कोहली भी 35 गेंदों में 47 रन बनाकर गए और केएल राहुल भी 68, आकाशदीप भी 2 छक्के लगा गए। लेकिन कोहली की पारी और उनके 47 रन देख के मानो हर किसी की जान में जान सी आ गई। और दोस्तों, ये 47 रन आपको ज्यादा ना लग रहे हो, लेकिन इन्हीं 47 रन के बल पर विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27,000 रन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अगर विराट कोहली के टेस्ट, T20 और वनडे के रनों को गिना जाए तो वो आज 27,000 रन से ज्यादा पूरे कर चुके हैं और ऐसा करने वाले गिने चुने 3-4 खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में। दोस्तों, विराट कोहली ने तो इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, इसके बाद उन्होंने जो रोहित शर्मा पर कहा वह उन दोनों की दोस्ती को दर्शाता है। आपको बताएं दोस्तों, के मैदान से बाहर जा रहे विराट कोहली अपने बयान में कहकर गए, मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर के अंदर बहुत से कप्तानों के अंदर बल्लेबाजी करी है और क्रिकेट खेला है, लेकिन कभी भी रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी और कप्तान नहीं देखा। मैं सब इसलिए नहीं कह रहा कि उनके साथ मैंने हाल फिलहाल में विश्व कप जीता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। वो निस्वार्थ होकर मैदान में खेलते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि वो रिकॉर्ड बना पाएंगे, सेंचुरी बना पाएंगे या टीम को जिता पाएंगे। वो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं और रिकॉर्ड भी बन जाते हैं और जीत भी हमारी हो जाती है। ऐसा कप्तान हो तो खिलाड़ी फिर कैसे होंगे, आप सोच ही सकते हैं। आज जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम मजबूती से खड़ी है दुनिया की हर एक टीम के सामने और जीतती है लगातार, वो केवल और केवल रोहित की कप्तानी का असर है। 27,000 रन मेरे पूरे जरूर हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे रोहित के लिए है क्योंकि वो एक बेहतर टीम बना पाए हैं और एक खिलाड़ी के बनने से ज़्यादा एक टीम का बनना बहुत ज़रूरी है और ये एक सफल कप्तान ही कर सकता है। रोहित शर्मा एक उम्दा कप्तान है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टेस्ट में युवा खिलाड़ियों की जगह पर, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो हमने विश्व कप में देखी ही, लेकिन उनके ये शब्द रोहित के लिए दिल जीतने वाले हैं। वैसे आप सभी विराट के रिकॉर्ड को भी 10 में से कितने नंबर देंगे आज, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।